टेल लाइट वगैरह सब क्रैक हो रखा है इस गाड़ी के साथ लगी है यहाँ से। और देखिए जी स्कॉर्पियो के माउंट जो है वो भी फिट हो चुके हैं, ये बिल्कुल एज इट इज उसी जैसा ही होता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि इसको जब ये इसके पहले वाले बॉडी बुश है और ये पहले की पैन रोड है, ये आया खड्डा जान दे जान दो जान दो जान दो जान दो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हो रही है ब्लॉग की शुरुआत। टाइम कितना हुआ? 11:22। तो आज हम लोगों ने क्या है कि घर भी जाना है, लेकिन उससे पहले एक काम और है, तो निकलेंगे फटाफट से जिमनी को लेके। और गाड़ी के अंदर हीट तो मतलब ऐसी है ना कि क्या बताऊं। क्या हुआ? अरे यार, एक तो मैं बहुत परेशान हूँ, इतना तेल डलवा डलवा के सिर्फ तेल ही डले जा रहा है। अभी हम जा रहे हैं अक्षय भैया के पास, तो बेसिकली ना एक जिमनी आई हुई है, तो जिमनी से रिलेटेड भी कुछ काम है, तो वही देखने में जा रहा हूँ। तो सीधा उनकी लोकेशन पे पहुँचते हैं, बाकी इधर जाम देखो आप कितना ज्यादा है, फायर में जाते हुए जा रही है, तो मतलब कुछ रिस्क है। हो सकता है कि आज शायद न्यूज में भी आया था, पता नहीं। नहीं, न्यूज वाला है थोड़ी, न्यूज तो कल की न्यूज में आ रहा है, आज की न्यूज में कल की बात आएगी ना, अभी कहीं होगा ऊपर। आज हम सबसे पहले आ गए हैं, गाड़ी जो है वो पहुंच चुकी है सामने। ठीक है, आपकी जिमनी तो आपने देखी है और ये जिमनी भी आपने देखी है, तो ये है सूरज भाई की जिमनी। तो इसमें क्या क्या काम होना है वो आज आपको दिखाते हैं। तो जिमनी के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट सी चीजें जो है वो इसमें होने वाली है, मतलब मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे शायद किसी ने भी कभी भी उतने डिटेल में वो सारी चीजें दिखाई हैं जो आज इस गाड़ी में होनी है और जो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आ गया जी इसका एयर फिल्टर K&N। ठीक है, तो इसको खोलते हैं दिखाते हैं। पकड़ो मानिक जी, तो मैं एयर फिल्टर जो है वो आपको खुद ही रिप्लेस करके दिखाऊंगा। आई थिंक इसमें सबसे ईजी तरीका है एयर फिल्टर को निकालने का। ठीक है, तो ये कुछ ठीक है, ये आ गया एयर फिल्टर। तो ये एयर फिल्टर थोड़ा सा केयर वाला भी होता है, इसे परफॉर्मेंस जो है वो तो ज़रूर बढ़ती है, बट इसको थोड़ा डस्ट वस्ट से ही वो करना पड़ता है। तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस रहता है इसको खोलने का ना, नहीं तो बहुत सी गाड़ियों पे क्या है आपको लॉक वॉक दिए होते हैं, तो मतलब वो स्क्रूज दिए होते हैं, तो वो निकालने में आपको होती है दिक्कत। ठीक है, ये देखो ये इसका पुराना एयर फिल्टर है, यहाँ से वाइट है ना, यहाँ से ऐसा है, मतलब ये यूज़ हुआ है। मैं आपको एक बार झाड़ के दिखाता हूँ, देख रहे हैं, देख रहे हो ये एयर फिल्टर में डस्ट होती है। खैर ये हमारा यूज़ में नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ उसी जैसा ही होता है। ठीक है, बट ये है कि यहाँ से देखो इसके अंदर जो जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसमें डिफरेंस होता है, जो वायरिंग जैसे है उसमें डिफरेंस होता है। और ये बेसिक वाला बिल्कुल, हाँ ये तो कंपनी का है। हाँ, कंपनी का। हाँ, तो देखो दोनों में क्या क्या फ़र्क है। तो यही है चीज़ है जो गाड़ी के इनटेक में एयर से इफेक्ट पड़ता है और परफॉर्मेंस बढ़ती है, और इसमें हल्का हल्का ना आपको शायद ऑयल सा भी मिलता है। चलो, तो ये बैठेगा कैसे सर? भी ऐसे ही बैठेगा संजीव भैया? संजीव भैया मस्त उधर से बैठ के देख रहे हैं, देखो। और बोल रहे हैं आप उस्ताद मन के तरुण भैया, नहीं उल्टा तो नहीं बैठाया ये ऐसे बैठे। आप कर दो बंद, लाओ जी। थार का भी इजली खुल जाता है, पुरानी वाली का नहीं खुलता ना, पुरानी वाली में नट लगे होते हैं। जो नई थार है उसका तो शायद ऐसे ही खुल जाता है, पर पुरानी वाली में स्क्रू खोलने पड़ते हैं। तो ये देखो 5 मिनट में हमने एयर फिल्टर कर दिया चेंज। आपने गाड़ी भागी, आपने चेंज कर दिया? नहीं, वो थोड़ा एडवाइस हमें लेनी पड़ी। हालांकि गाड़ी में तो स्नॉर्कल लगा हुआ है, उतना नहीं पड़ेगा फर्क, बट थोड़ा सा आवाज में भी फर्क पड़ता है इससे। एयर फिल्टर तो आपको हमने दिखा दिया, वो तो बड़ा इजिली फिट हो गया, लेकिन अब जो ये भयंकर सी चीजें है ना। अच्छा भैया, हाँ जी, क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया। क्या क्या बढ़िया, ये क्या है सामान? ये रियर बम स्टॉप्स हैं। हाँ, वो पैन होल रॉड्स हैं, रॉड्स हैं फ्रंट और रियर की। ठीक है, और ये आगे कुछ बॉडी माउंट्स हैं। तो इससे होगा क्या? इससे जो बम्स हैं गाड़ी के वो खत्म हो जाएंगे, पैन होल रॉड से आपका जो स्टेयरिंग वगैरह उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ, और जो आपका आ गया बम स्टॉप, उससे जो गाड़ी में जितने भी बम्स वगैरह उसका पता नहीं चलेगा, जीरो हो जाएगा। क्या बात है, सारी बातचीत आपने सुन ली है, अब आपको इन सबकी इंस्टॉलेशन दिखाएंगे। लेट्स गो गाइस। हाँ, मतलब ये कोई वैसा इजी सी चीज़ नहीं है, बट करके तो छोड़ेंगे। गाड़ियाँ हम दोनों लेके जाएंगे, अपनी वाली भी जाएंगे, क्योंकि इस पे काम लगा होगा तो हमें एक गाड़ी की ज़रूरत रहती है। लेकिन मैं क्या है कि रोज़ मैनुअल चलाता हूँ। लक्ष्य भैया आप चलाओ मैनुअल और हम चलाएंगे ऑटोमेटिक गाड़ी। और इस गाड़ी में अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज है। सबसे पहले तो चाबी देखो यार, चाबी को भी मुझे लगता है कुछ किया हुआ है।
है ना, ऐसा शाइन सी है। अच्छा ये कवर है, अच्छा वो कल मतलब ये शाइन कर रहा है बड़ा ज्यादा। अच्छा चलो जी, पर देखो कितनी चमचमा रही है, ऐसे शाइन सी कर रही है, तो अनलॉक ही होगी। तो चलिए मानिक जी, आज आप भी ऑटोमेटिक गाड़ी का फील लेंगे। चलो ओके, अंदर बैठते ही फील व्हील एकदम अलग सा है, सीट कवर वगैरह भी डले हुए हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक थार तो बहुत चलाई हमने, लेकिन आज हम चलाएंगे ऑटोमेटिक जिमनी। सो लाओ जी पुश स्टार्ट बटन, क्या बात है, थार के टॉप मॉडल में भी आपको पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलता। तो ये हैं कुछ विचारिकताएं, तो चलिए ठीक है निकलते हैं। और इसमें म्यूजिक सिस्टम भी काफी अच्छा सा है, तो वो भी आपको सुनाएंगे। काफी सारी चीजें हैं इसमें, म्यूजिक भी लग रहा है ना। हाँ देख, डिस्प्ले भी चेंज है ना, वो कप होल्डर है वहाँ पे, ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजर देखो नीचे, बड़ी अच्छी चीज। और इधर देख रहे हैं आर्मरेस्ट भी है, और अभी जो काम इसमें होने वाला है उससे इसकी जो जैसे जिमनी में गड्ढे वड्ढे फील होते हैं वो भी नहीं होंगे। बढ़िया है ऑटोमेटिक चलाने में भी, एकदम से झटके से मतलब थोड़ा फील हो रहा है। हाँ वो एयर फिल्टर से भी थोड़ा हुआ है। हाँ थोड़ा मुझे है। लग रहा है शायद एयर फिल्टर से उसी से ही पड़ा है ना। और देखो गाड़ी पीछे से लग गई है, ये देखो काफी ज्यादा डैमेज है, टेल लाइट वगैरह सब क्रैक हो रखा है। तो अभी इस गाड़ी के साथ लगी है यहाँ से, शुरक शुरक बुलाया अभी चलना। डैमेज तो हुआ ही है, जैसे आप आराम से होते तो मैं निकल गया होता। हाँ, तो इनकी गाड़ी बाद में मेरी ये कोई मसला नहीं है कि मैं भाग गया होता या निकल गया होता। ऐसी बताओ करना क्या है सर, बम्पर नहीं ठीक कराना है। चलो वहाँ पे करा लेती है, आप भी करा लो मैं भी करा लो। अच्छा क्योंकि कसूर मेरा भी नहीं है, कसूर इनका भी नहीं है, इन्होंने चढ़ाई में ब्रेक मारी है, मैं पीछे आ रहा हूँ। लग गया खाने की मत बहुत बड़े बंदे हो गए, लेकिन मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ। मतलब मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, अगर जैसे मेरी गाड़ी होती ना तो मैं तो शायद सीट बेल्ट पहन ले, तो मैं तो शायद क्या है बिल्कुल भी वो ही नहीं करता था। लेकिन सूरज भैया की गाड़ी थी तो फिर हमने उनसे पूछा, तो वो कह रहे चलो कोई मसला नहीं है। बट बेसिकली अंकल भी थोड़ा ज्यादा ही वो कर रहे थे, मतलब वो कह रहे, और मैंने इवन की ब्रेक लगाई भी नहीं, मतलब बिल्कुल आराम से जा रहे हैं वो, शायद तेज होंगे तो भाई चढ़ाई है ऑब्वियसली बात, मैं तो आराम आराम से चल रहा हूँ, तो पीछे से आगे भिड़ गई। पर चलो कोई मसला नहीं है, चलता रहता है, थाने वाने क्या करना है। फिर सूरज भैया कहने लगे इट्स ओके, तो चलते हैं सीधा नेक्स्ट अपने काम पे, जो जिस काम के लिए निकले हुए थे। तो ये सारी चीज़ें आप होती रहती है। मानिक सीखा तो ने कुछ कि नहीं सीखा, सही है। चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है। थाने वाली की बात आ गई भाई, थाने जाना है सिर्फ पासपोर्ट की वेरिफिकेशन के लिए, उसके अलावा थाने नहीं जाना हमने। चलो मॉडिफिकेशन के चक्कर में हमें एक दो बार जाना पड़ गया, बट नहीं। तो जी इस गाड़ी में और एक अच्छी चीज़ है, जैसे ये जो विंडो की ओपनिंग वाली है ना, थोड़ा सा मतलब ईज है ये, जैसे पीछे ही एक्सटेंशन निकली हुई है ना, थोड़ा इजी रहता है। हाँ ये तो हम भी लगा सकते हैं। रेलवे फाटक तो बंद है अभी, इधर इंतजार करना पड़ेगा। आज आपने अक्षय भैया की गुंडाई देखी नहीं देखी, अक्षय भैया गैंगस्टर ड्रोन वाली है। नहीं दो नहीं है, पर क्या बोल रहा है, बड़े दिनों की ट्रेन भी देखी, देख ली अभी। पर ये कौन सा डिब्बा, अच्छा ये अभी जनरल डिब्बा जा रहा है, जनरल क्लास वाला। क्या आपको पहचान नहीं हो रही है, कुछ तो बदला है, गाड़ी दूसरी गई है। अभी तो आप दिल्ली से क्या जिस, अभी तो आप दिल्ली से? नहीं अभी नहीं, कल आया था। अच्छा, और देखिए जी स्कॉर्पियो के माउंट जो है वो भी फिट हो चुके हैं, फुल पावर काम चल रहा है। तो चलिए बाकी टायर अभी चेंज किए हुए हैं, बिकॉज काम चल रहा है ना, तो फिर इन टायरों में थोड़ा सा। अच्छा कल ये सारा सेटअप वेल्ड वगैरह किया, तो उसके लिए गाड़ी बैलेंस करना जरूरी थी, तो भी हब्स कंप्लीट आए नहीं है, ठीक है, तो वो वाले टायर्स लगा नहीं सकते थे, फिर आपको उस टायर पे आज आप सबने अक्षय भैया की गुंडाई देखी है। देखे ना मानिक तूने, ये बोलते क्या, ये बात आपकी गलत है, आप क्या जो मर्जी करोगे मन में आएगा, समझ रहे हो। जी ये आ गया हमारा फोन, खोलो हाँ इसको। तो ये जी कुछ आ गई इस तरह से बॉडी माउथ, ठीक है, गाड़ी ऊपर तो चल गई थी, लेकिन देखो इस साइड से ये प्रॉपरली ना लगा हुआ, तो ये स्लिप मारने का रिस्क होता है, इसलिए इसको अच्छे से करके लगाएंगे, गाड़ी फिर से पूरी नीचे आएगी। अच्छा इन्होंने तो अंडर बॉडी भी लगा रखी है। वो आया भी किसका था, चल जाऊंगा
काम हो चुका है स्टार्ट, तो अब देखेंगे क्या क्या चीज खुलेगी। पंकज भाई सबसे पहले क्या खोल रहे हैं? बॉडी बोल्ट। तो बॉडी के बोल्ट खुलेंगे और फिर बॉडी का बुश डलेगा और फिर क्या फर्क पड़ेगा वो आपको दिखाएंगे। ये टायर ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना। खाना जो है वो हमारा आ चुका है फटाफट से, गरम आ गया। लो जी खाना खा के आ गई है एनर्जी, और सब एनर्जी में देख रहे एकदम चुस्त वुस्त होके फिर से लग चुके हैं अपने काम पे। अभी डिसाइड हुआ है जैसे कि अक्षय भाई ने बताया कि इसमें जो एक लाइन है ये काटनी है, ठीक है, तो अभी इसको कट करने लगे। ठीक है, बाकी बुश वगैरह जो थे वो सिंपल ही थे, नीचे से लगने थे। ठीक है वो भी हो रहे हैं, तो फिलहाल ऐसे काटने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अंग्रेजी कट गया ठीक है, नहीं तो ग्राइंडर से काटेंगे। फिर मुझे लग रहा है कट जाएगा। फिर आपको जो लगता है ना वो होता भी है, फिर तो बोलना तो सही है चाहिए कि जो आपको लगता है वो होता नहीं है। होता है सर, मेरा एक्सपीरियंस है। अक्षय भैया जी, ये गाड़ी कितनी उठानी है? गाड़ी नहीं उठ रही है। हाँ, बेसिकली ये गाड़ी की ड्राइव को स्मूथ करेगा। अच्छा, उठ नहीं रही ज्यादा? नहीं उठ नहीं रही, वो ऑलरेडी लिफ्टेड है आयरन मैन। ओके। तो ये बेसिकली कंफर्ट का मामला है, बताया भी था इन्होंने, मैं फिर भूल गया, बिकॉज बॉडी माउंट से हमें एक ही चीज ज्यादा आती है और वो है लिफ्ट। देखो डेंजरस लिफ्ट किट फिट भी हो गई है। ये जो है ये कट गया यहाँ से, ठीक है, अभी लगेगा कहाँ पे वो दिखाते हैं आपको। ऐसे क्या ज्यादा लंबा पड़ रहा था? और ये लगेगा यहाँ पे, ये आपको जो ट्राइंगल दिख रहा है बेसिकली बम स्टॉप है। जैसे खड्डे में गाड़ी गिरती है तो ये गाड़ी को ऊपर, ये जो है एक्सल डिफरेंशियल को ऊपर बॉडी पे लगने से रोकता है। और ये देखो यहाँ से इतना ज्यादा जब बन जाएगा तो ऑब्वियसली ये खड्डों में रोकेगा तो सही। और इसके बाद भी अगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता रूट, हाँ, तो आप एक और इसका वो काट सकते हो। अच्छा, नहीं नहीं ये तो बहुत है। जी जी, नहीं मेरे कहने का मतलब है कि इसको जब हमने खोलना है, खोलने के बाद लेंथ जो है वो बराबर आनी चाहिए। पैर हार्ड की लेंथ तो आपके उसके बराबर ही आएगी, लेकिन जी जो जी थ्रेड की जो लेंथ है वो आपस में लेफ्ट और राइट में बराबर नहीं होगी। ठीक है वो इस साइड से ज्यादा रखनी है, इस साइड से कम रखनी है। तो चलिए जी, बहुत ज्यादा टाइम हमें लग रहा है चीज को समझने में, बट कोई नहीं करके छोड़ेंगे। एक जो पैनार्ड है वो ये वाली जो है ये भी चेंज हो गई है, तो अभी मैं आपको आगे वाली दिखाता हूँ। अरे हेडलाइट भी खुलेगी, हेडलाइट से क्या टूट रहा है? हो गई है यहाँ भी माउंट है। अच्छा, इसके नीचे है एक माउंट, ठीक है, इसके लाइट बंद पड़ेगा। ये जो आठ बॉडी माउंट है ना, ये यहाँ से चेंज हुए हैं, देखो दिख रहा है आपको, यहाँ पे पूरी बॉडी पे चेंज हुए हैं। फ्रंट पैन आउट को एडजस्ट किया जाएगा। फाइनली हो गई एडजस्टमेंट, देख रहे हो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, यहाँ से कम रहेगा, तो ये बराबर करती है उसके भी। एक मिनट पैन आउट आना। अब जो है पैन रॉड को इंस्टॉल किया जा रहा है, ये देखो ये लग रही है ना यहाँ पे बीच में, और अब ये पूरी इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद देखते हैं कि ड्राइव है, हाँ, उसके बाद देखते हैं ड्राइव में क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अब ये सारा काम करने का मेन पर्पस तो वही है कि ड्राइव में क्या फर्क पड़ता है। ये इसके पहले वाले बॉडी बुश हैं और ये पहले की पैन रॉड है। फिर से सब लोग नीचे घुस गए हैं और जो है माउंट्स को कस रहे हैं। ये देखो जी, ये देखो ये है जिमनी का बम्प स्टॉप अभी वाला, देख रहे हो कितना फर्क है। ये देखो क्या चीज़ क्या खड्डा रोकेगी, समझो बात को। ये तो ऐसे खिलौना रहा है, लट्टू लग रहा है लट्टू। फाइनली गाड़ी जो है वो हो चुकी है कंप्लीट, अब मारेंगे टेस्ट राइड और देखेंगे हाँ भाई खड्डों में कितना फर्क पड़ा है। चलो काम दाम तो हमने देखा, मजा आपको आया नहीं आया पता नहीं, बट अब जो फर्क पड़ा है वो हम नोटिस कर लें एक बारी। अभी थोड़ा सा टेस्टिंग करते हैं खड्डे वड्डे में डाल के गाड़ी, यहाँ आगे एक बड़ा जबरदस्त सा स्पीड ब्रेकर आता है वो वहाँ चेक करेंगे। मैं तो अभी रात को आया था यहाँ से, तो हिल गई थी पूरी स्कॉर्पियो, काफी फर्क आया। तो यही वो फर्क है जो इस गाड़ी में हम नोटिस कर रहे थे। तो अभी तरुण भाई स्टीयरिंग चेक करने वाले हैं इसका, तो अभी देखते हैं कैसे चेक करते हैं हमारे स्मॉल टाउन राइडर। यहाँ से घुमाओ गोल गाड़ी, हाँ यहाँ यूं करके यूं, हाँ घुमाओ पूरी तेज, घूम गई, हाँ दूसरी साइड भी घुमाओ ना, वापस कहाँ जा रहे हो, दोनों साइड घुमाओ, बिल्कुल बिल्कुल। घुमाने में कैसा लग रहा है, कहीं हैंडलिंग सही है? टाइम हो चुके हैं शाम के 5 और आज हम लोगों को जाना था घर, लेट हो जाएंगे, बट कोई मसला नहीं है, ये काम भी करना जरूरी था,
तो चलो फिलहाल काम तो कर लिया है तो अब निकलेंगे फटाफट घर की तरफ। पेट्रोल भी भरवा लेते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्यूल पे उस पर रिजर्व पे आ गया था। अभी घर के लिए निकल चुके हैं और आज तक हम घर जितनी बार भी गए हैं ना मुझे लग रहा है सबसे लेट तो नहीं, कभी एक दो बार लेट निकले होंगे बड़ी मजबूरी में, लेकिन इतने बजे मैं कभी भी नहीं निकलता हूँ, मैं टाइम से ही निकलता हूँ, मैं पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। मानिक जी 6 बजने वाले, क्यों लेट करवाया आपने? आपने करा दिया। अच्छा तो चलो ठीक है, आज कहीं भी ब्रेक वगैरह नहीं लेंगे, 6:45 हो चुके हैं तो अगर कहीं नहीं भी रुकेंगे तो भी 8 बजे तक पहुँचेंगे। तो चलो ठीक है, देखना फिर टेप लगी हुई है। हाँ टेप लगी है। क्या मौसम हो चुका है ना मानिक, आज दिन में कितनी गर्मी थी और इतना बढ़िया सा मौसम हो गया है। तो बेसिकली घर जाने का एक रीजन ये भी है क्योंकि अब मानिक को आए हुए कितने दिन हो गए, तो फिर इसको मैंने इसलिए कह दिया था कि 2 दिन इतने और रुक जाएगा तो अब फिर इसको, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई ये करे ना करे लेकिन ट्यूशन ज्यादा जरूरी है। अरे ऐसे बोलो ना कि पढ़ाई भी करूंगा, बस ये अभी मानिक की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 12th क्लास आ गई है तो 12th के बाद ही मानिक का करियर का फैसला होगा। अंधेरा हो रहा है पर बारिश हो रही है और शायद मुझे लगता है उधर घर वाली साइड तो बहुत तूफान चल रहा होगा। सर बड़ी देर से ना प्लान चल रहा है कि भाई साहब एक हमें ना एक्स्ट्रा बिजनेस जो है वो भी खोलना चाहिए, तो फाइनली आप देख सकते हो कुर्सी पे मैं बैठ चुका हूँ तो मैंने एक जो नया स्टार्टअप शुरू कर लिया। ठीक है रोहित भैया, आपसे स्टार्टअप मेरा हो गया। क्या बात है, तो बस ऐसे ही आया हुआ था अभी तो रोहित भैया मिल गए तो इन्होंने मुझे देखो कुर्सी पे बिठा दिया, फिर मैंने कहा हम भी थोड़ी सी फील ले लेते हैं। भैया क्या हाल चाल है जी? बढ़िया ठीक हो आप भी? अच्छा अभी सुंदरबनी में भैया के पास रुक भी गए थे लेकिन तो भी हम 8 बजे से पहले घर पहुँच ही हैं। वतन वापसी करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है और क्या? नहीं यार मेरे पास अच्छा नहीं लगा तुझे? यार अच्छा तो लगा, ऐसी बात थोड़ी है, वैसे मैं घर आके। ये क्या लैंग्वेज है फिर? मैं घर आके एक लाख ही यही बोल देता। तरुण भैया मैं आपको मिस करूंगा यही बोल देता। वो तो है यार, तरुण भैया आपको बड़ा झूठ है, झूठी वाली बातें बुलवानी पड़े हैं। चाचू मिल चुके हैं, लड़का ले आया हूँ आपका। थैंक यू भाई। मिस किया आपने इसको? क्या बात है यार, रौनक ही नहीं थी मैंने कहा। अच्छा घर पहुंच चुके हैं और आज हमने लाइव ही पकड़ लिया है। ये गांव के लोगों का क्या हाल है, आग क्यों लगा रहे हो आगे, इतनी गर्मी है? ये बड़े कीड़े जहरीले कीड़े मकोड़े आते हैं इधर, तो साफ सफाई हो घर के पास तो फिर थोड़ा सा बचाव रहता है। जस्टिफाई कर रहे हो? हाँ जस्ट जो गलत काम है पापा, बड़े कीड़े होते हैं, जो गलत काम है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। साफ जगह में हमें दिख जाता है, जब जाएंगे हम तो चलो नीचे दिख जाता है। ये आग उधर चली जाएगी रात को बवाल मच जाएगा। आप बिल्कुल इस वक्त शांत है ना, हवा नहीं है। ये फायर ब्रिगेड ये तो फायर ब्रिगेड है, है? ये देख रहे हो आग लगाने वाले, ये फायर ब्रिगेड बुझाने वाले। हर बार ऐसा होता है कि घर जैसे ही पहुंचते हैं ना तो वीडियो एंड करने का ध्यान ही नहीं रहता, तो फिलहाल सोने ही लगा था, फिर मुझे ध्यान आया कि यार वीडियो तो एंड की नहीं। तो बस आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो पता है ना आपको करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।